अपने केस की पैरवी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दुष्कर्म पीड़िता द्वारा दायर की गई पिटीशन याचिका पर बुधवार को फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के द्वारा हाई कोर्ट जस्टिस आरसीएम सामानत के सिंगल बेंच में दुष्कर्म पीड़िता ने खुद अपने केस की पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुष्कर्म को आरोपी को उसके ओरिजिनल दस्तावेज के साथ 7 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। इसके अलावा पीड़िता द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि पुलिस कोर्ट को गुमराह कर रही है। अब दोनों मामलों पर कोर्ट 7 अगस्त को अंतिम सुनवाई करेगी। पुलिस पर गुमराह करने का आरोप याचिका करते दुष्कर्म पीड़िता के मुताबिक पिछले 28 जून की सुनवाई में हाई कोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सिंगल बेंच में मामला लगा था, जिसे पुलिस ने कोर्ट में जवाब प्रस्तुत कर रहा था कि हम आरोपी को पकड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच पीड़िता ने कोर्ट के बीच सुनवाई में कहा था कि बिलासपुर पुलिस झूठ बोल रही है और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी शुभम लालवानी ने अपने असली नाम दीपक लालवानी के नाम से सेशन कोर्ट में बेल लगा था, जहां उसे हाई कोर्ट से जस्टिस आरसीएस सामानत के सिंगल बेंच से 21 जून को उसे बेल मिल गया और पुलिस ने 28 जून को कोर्ट को गुमराह करते हुए जानकारी दी कि आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।